हेलो चैनल, वेलकम बैक टू मैगजीन तंजील खान एंड वेलकम बैक। सो आज मैं एक डैम फैम क्विज खेलने वाला हूँ। सो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली इस चैलेंज में मैं ये करने वाला हूँ, हर एक डैम फैम मेंबर के पास जाके दूसरे डैम फैम मेंबर का क्वेश्चन पूछूंगा उनसे, एंड लेट्स सी उनको पता होता है कि नहीं उनके बारे में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा मैं चलता हूँ आशी की तरफ। सो आई हैव आशी हियर। सो आशी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ डैम फैम के बारे में। एंड तो आशी को, आशी यहीं बैठी थी, आशी को पता है चैलेंज क्या है, तो मैं आशी से पूछ लो सीधा क्वेश्चन, ठीक है? सो योर क्वेश्चन इज, पता चलेगा आपको, हाउ मेनी पीपल इज अर्श फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम? अब ये कैसे पता होगा? तो एक रैंडम गेस, मतलब मैं आपको 50 का वो दे, 300 to 400 फाइनल बताओ जल्दी। 300 to 400 आपको करेक्ट जवाब देना, ठीक है? मिले है कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं डैम, सबसे पूछने वाला हूँ मैं। तो आईडी ऑफ सेकंड हो, एंड आपका क्वेश्चन ये है कि उन्नति मल्हारकर का बायो क्या है? व्हाट डज उन्नति मल्हारकर बायो सेज? नहीं पता, ग्रेटफुल ऐसा कुछ लिखा है, कोल्ड पे जो आपने गेस किया है, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है। So the correct answer is head full of dreams. Okay, I'll keep that in mind. तो next मैं पढ़ता हूँ Mr. MNV की तरफ। Guys रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I'd like to talk about L'Oreal Paris, जिसके साथ मैंने इस वीडियो में पार्टनर किया है। And I myself have been using L'Oreal Paris product recently, and मैंने अपनी खुद की स्किन पे बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया है। मेरे फेस पर हमेशा एक ग्लो आता है जब भी मैं L'Oreal Paris की प्रोडक्ट यूज करता हूँ। And in this video, I'd like to talk about L'Oreal Paris' Crystal Micro Essence and the 1.5% Hyaluronic Acid Serum. L'Oreal Paris Crystal Micro Essence basically आपकी skin को prepare करता है for better absorption of any hydrating products you apply afterwards. इसमें salicylic acid है जो skin renewal को accelerate करता है and skin को mildly exfoliate भी करता है। ये pores को reduce करने के साथ साथ skin का texture भी improve करता है। And इस product को लगाना भी बहुत ज़्यादा simple है, बस make sure कि आपका मुंह clean हो। You don't need cotton pad or anything. Just take 3 to 4 drops in your palms, rub them together, and then aram se pat on your face. Moving on to the L'Oreal Paris Hyaluronic Acid Serum. And अगर आप मुझे पहले से follow करो, आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत सारी videos में इसका जिक्र किया है. And this is really helpful to hydrate your face. It's lightweight as well, so you don't feel कि आपने skin पे ज़्यादा कुछ products use करे हैं. इसको लगाने का same process है. Just take few drops and gently pat on your skin. It's non-sticky and non-oily, and it also makes my skin feel radiant. And it's preferable to apply Crystal Micro Essence before the Hyaluronic Acid Serum. Also, the Salicylic Acid and the Hyaluronic Acid works the best together. The Salicylic Acid helps in exfoliating the skin and the Hyaluronic Acid deeply hydrates the skin. So, this is an ideal regime. मैं ये प्रोडक्ट्स दो बार यूज करता हूँ दिन में, एक बार इन द मॉर्निंग रूटीन एंड वंस इन द नाइट रूटीन। सो गाइस, आई विल हाईली रेकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ इस बारे में, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। सो इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हाइड्रेट योर स्किन एंड गेट दैट ग्लो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस प्रोडक्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में। एंड अभी नेक्स्ट है मानव से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, तो फटाफट जाते हैं मानव के पास। आ गया है क्यों? सो मानव भाई मेरे साथ में, मानव को मैं चैलेंज समझा दे क्या है। सो मानव भाई, आपके क्वेश्चन ये है कि आपको दो बताना है उसमें जो मैं आपको पूछने वाला हूं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि नेम एनी टू हाइलाइट्स ऑन आशनास प्रोफाइल। आशना की प्रोफाइल में सिर्फ दो, आशना की 5 हाइलाइट्स है, उसमें 2 5 हाइलाइट्स है आशना के प्रोफाइल में, ऑफ कोर्स से उसमें सिर्फ दो बतानी है मेरे को। वन इज फैशन, योर क्लोज बट नॉट रियली फैशन ओवर, right? Fashion over. And the second one is that is very easy actually. That is very easy. Fashion over and please give me 10 seconds. 10 9 8 7 6 5 4
जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम किसको नहीं मिला अभी तक? ट्रैवल मतलब ट्रैवल में से एक जगह का नाम बताता हूँ, अब जगह का नहीं, ट्रैवल पे ही है। नहीं कुछ नहीं, ट्रैवल का कुछ नहीं है, हाईलाइट्स ट्रैवल पे कुछ नहीं। नहीं रुके जा, एक लास्ट चांस दे मेरे को। फैशन ओवा एंड एक जो आशा बहुत पसंद करती है, ठीक है, मतलब बहुत पसंद करती है, और एक है जो एक वो आपको मैं बोलूंगा हिंट बना के बता दूंगा, वो है कुकिंग का कुछ है। वही मेकअप है वो, लेकिन डिफिकल्टी फैशन बोला आपने, बट ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं उन्नति की तरफ एंड देखते हैं भाई फिर खाली शिफ्ट हो जाओ। आई एम स्कैर्ड उन्नति, एक सेकंड, उन्नति का बहुत इजी है एक्चुअली, लेकिन ठीक है, ऐसे बात बोल रहे हैं, उन्नति को, उन्नति को इसलिए सिर्फ 5 सेकंड मिले, ये भी बहुत इजी है, एक सेकंड इतना है, ये नहीं 5 सेकंड नहीं, टाइम से और स्ट्रेस हो जाता है, उसे कितना टाइम मिला है? अरे वो थोड़ा वो इन्फॉर्मेटिव आंसर था, ठीक है चलो, आपका क्वेश्चन है आईडी से रिलेटेड, ठीक है, तो हु डिड आईडी डू द गेस द चिप्स चैलेंज विद? गेस द चिप्स, अर्श एंड संकेत। अभी बढ़ते हैं अर्शदीप सिंह की तरफ, मैं खाली उठ के बैठता रहूंगा। तो अर्श भाई आपका क्वेश्चन है, हूज आउटफिट्स डिड आशी रिक्रिएट फ्रॉम Amazon इंडिया? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, हरियाणा ग्रैंड। ओके चलो अर्श भाई बता दिया यार, तो अरे थोड़े क्वेश्चन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड ही है, बट मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि संकेत हैड मेड अ यूट्यूब वीडियो ऑफ आउटफिट्स इंस्पायर्ड बाय ज़ैन मलिक। नहीं यार वो तो रिक्रिएट किया था शंकु ने, तो ये है संकेत हैड मेड अ यूट्यूब वीडियो ऑफ आउटफिट्स इंस्पायर्ड बाय शंकु। कौन से चीजों से इंस्पायर्ड हो गए शंकु ने बनाया था एक आउटफिट वाला वीडियो? यूट्यूब पे था। हाँ यूट्यूब पे है। कब रीसेंट वीडियोस की है? नहीं यार बहुत पुरानी है, बट मुझे याद नहीं है। संकेत कौन सी चीजों से इंस्पायर्ड हो गए? संकेत ने यूट्यूब बना था फैशन रिलेटेड, ज़ैन मलिक नहीं, वो तो बंदा इंस्पायर्ड है। अच्छा बंदे और कौन सी चीजों से? तेरे पास लास्ट 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6। बार भाई पता है आपको? अच्छा ड्रिंक्स और पेप्सी वेप्सी वो ड्रिंक्स वाला सॉफ्ट ड्रिंक्स। चलो भाई थोड़ा भाई को टाइमर में हेल्प कर दे। अच्छा तो आपका क्वेश्चन है, नेम द सॉन्ग ऑफ एमएनबी व्हिच हैज शमीदा शेट्टी टू। भाई पता लगती है बहुत, मतलब नहीं पता मैंने, ट्यून तक नहीं आ रहा है। और किसको पता है? किसको पता है? उन्नति को पता है? नहीं नहीं मांझियाला नहीं है, मम्मी वाला। अरे पागल हो गया यार, मम्मी को पसंद नहीं। उन्नति ने हिंट दे दिया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हिंट दिया भाई, बाहर जा क्या अभी। अर्शना आपके पास लास्ट 10 सेकंड है, 10, 9, 8, 7, 6। नहीं मेरी माँ बोला, ऐसा दोनों खराब कर दो, मेरी माँ बोल, तो आंसर है तेरी माँ आशीष, मेरी माँ बोला तू प्यार कर दी और ना कर देने होनी तेरी माँ। हेलो संकेत मेहता, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो मैं सबसे पूछ लिया, आप आखिर में हो क्योंकि आप थे नहीं यहाँ पे मौजूद, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ये कि आपको एक गाना बताना है जिसमें ऋषु ने जेरी के साथ रील बनाई है,
रिशु ने तीन रील्स बनाई है जेरी के साथ में, तो आपको एक गाना बताना है तीन गाने में से जिसमें रिशु ने जेरी के साथ रील बनाई है। मैं एक नहीं बता, गेस। एक जो रिशु में डालता रहता है, एक इंग्लिश गाना, एक स्टोरी पे डालता है, सब जगह पे डालता है। रिशु आप बोलना चाहोगे? इधर आओ, इधर आओ। रिशु को यहाँ पे मौका दूँगा। रिशु कुछ सोच, सोच है जरा, हजार नहीं सा, ये नहीं है। एक इंग्लिश सॉन्ग भी है, बहुत इजी। पुअर कनेक्शन, दिस वीडियो विल रिज्यूम ऑटोमेटिकली। हां, एक थोड़ा हिंट दे दे। सिंगर का नाम बता दूं? हां बता दे। एल्विस का गाना है, एल्विस प्रेसली का गाना है। बोलने लगा था एल्विस ही, बोलने लगा था। एल्विस का कौन सा गाना है यार, एक सेकंड। 4 चलो, आपका टाइमर स्टार्ट होता है 10। भाई थोड़ा अच्छे टेक्नो मार रहा है वहां पे। थोड़ा नेटवर्क पूरा पूरा क्रेशन करके तू नेट पे सर्च तो नहीं कर रहा ना? नहीं भाई, यहीं पे बुला हूं। हां ठीक है, जल्दी बता। 10 9 8 7 6 5 4 So guys, thank you so much for watching this video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe, and thank you so much enter देखने के लिए, and I hope आप सबने subscribe किया है and आपको मजा आया हो, and don't forget to subscribe to our individual channels, and dance for के subscribe करो, love you. पीछे देखो, पैर लाते हुए जानवर दिख रहा है। प्लीज इसके लिए कर दो लाइक सब्सक्राइब प्लीज।